हमारे साथ आज मेहमान बहुत खास मिस्टर सुधीर सेठ, अ नेम इन इंडिया दैट इज सिनोनिमस विद पावर. वेलकम टू जी बिजनेस. मैं हूं नीवा जैन एंड वेलकम टू येट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ द बिग आइडिया. इससे पहले कि हम सुधीर से जाने कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, लेट मी टेल यू लिटिल समथिंग अबाउट सुधीर. सुधीर ने जेनसेट्स के साथ शुरू किया और 30 साल के बाद सुधीर के पास है 3000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर. सो लेट्स कैच अप विद सुधीर इन हिज मानेसर प्लांट इन गुड़गांव. Hello Sudhir. Hi, how are you? Welcome to the Big Idea, and I must tell you, your plant is spectacular. I believe one of 7 plants all over India, state of the art. कहाँ से कहाँ आपने पहुँच गया? I mean, you exemplify the Big Idea, Sudhir. Thank you very much. As a matter of fact, you know, it's been a long journey. Sudhir ने ये सारा operations शुरू किया in 70s. तीस साल के बाद आप कहाँ पहुँच गया? और जब हम अपनी MBA करके आए कनाडा से, हाँ जी, सो उसके बाद हम देखते थे कि हमारे कंट्री में द पावर सिचुएशन बहुत ग्रिम थी एंड एक्चुअली में तो ये था कि कई जगह पे स्टेट्स में वो सब्सिडी देते थे लोगों को कि भाई आप जनरेटर खरीदिए एंड गवर्नमेंट सब्सिडी देगी. करेक्ट. सो वहाँ से हमको आइडिया आया कि भाई हम लोग जेनसेट का बिजनेस शुरू करें. दैट इज वेयर द ग्रेट बिग आइडियाज फ्रॉम. तो हमने जब जेनसेट शुरू किया, सो उस टाइम पे हमारी रिलेशनशिप बनी कमिंस से. कमिंस इज one company which you all know, it is the biggest company, yes, internationally. And unse hamari relationship, partnership, whatever we call, wo bante bante badhti gayi. pehle zamane mein badi badi companies thi, wo bhi gensets mein deal karti thi, koi Escorts, koi Parry. So you gave the big ones a run for their money. Voltas, but humne hamesha yahi philosophy leke chale Sudhir mein ke customer is द किंग एंड उसको हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए. एंड उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको बेसिकली क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी एंड अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो सो बैकअप सर्विस सपोर्ट. अच्छा दीजिए, वी वांट टू गो बैकवर्ड्स. हम 30 साल पहले जाएंगे. पहले शुरुआत में जेनसेट के साथ क्यों? बेसिकली इंडिया में आज से 35 साल पहले, तो भी एग्जैक्ट हमको तो ऑलमोस्ट 40 साल होने वाले हैं ये बिजनेस करते हुए जेनसेट्स का. तो इलेक्ट्रिसिटी वाज अ बिग प्रॉब्लम एंड वो प्रॉब्लम को देखते हुए तो सी हाउ वी कैन सर्व द इंडस्ट्री बेटर, इसलिए हमको ये आइडिया आया एंड इसीलिए हमने जेनसेट्स बनाने शुरू किए. आप क्या काम करते थे इससे पहले जब आप कनाडा से आया? मैं तो कुछ नहीं करता था. मैंने तो बेसिकली अपनी पढ़ाई इकोनॉमिक्स ऑनर्स की फ्रॉम श्रीराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फिर मैं कनाडा चला गया MBA करने के लिए. सो आने के बाद में मेरे फादर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल बिजनेस करते थे, पर मेरे को ये था कि मैं कुछ अपना करूँ एंड उस समय भी आपकी इच्छा था अपने आप स्क्रैच से करूँ. और मैंने अपने फादर को ये बोला कि मैं आ गया हूँ इंडिया, पर मैं चाहूँगा कि मैं बिजनेस अपने आप में करूँ. एंड ही वाज क्वाइट ओके. अच्छा, और इनिशियल फंडिंग कहाँ से मिला? फंडिंग अगर हम बताएंगे तो आप हंसेंगे, कोई बात और अगर आप कहें तो हम बता देते हैं. हाँ, प्लीज बताइए. हमारे फादर बहुत अच्छे आदमी थे. हाँ जी. उन्होंने हमको इनिशियली एक 25,000 रुपए दिए और उन्होंने बोला कि आप इससे बिजनेस शुरू करिए. और टुडे व्हाट वुड दैट बी इफ यू नो 30 साल पहले व्हाट इज द इक्विवेलेंट टुडे? Well, 25,000, 30, 35, 40 years ago, today, of course, would be a good value in terms of... just a couple of lakhs. Yeah, a few lakhs, obviously. Just imagine, a few thousands would have become a few lakhs. कहाँ से कहाँ? Correct. अच्छा, if I ask you one project, जिसने आपके लिए सब कुछ change कर दिया, that really precipitated you to the big league, वो क्या होएगा? Which one? Actually, projects wise, I think, जेनसेट्स में हमने आज से कोई अराउंड 25 साल पहले बिड़लाज की कंपनी थी अमृतसर के पास में OCM, उनका प्रोजेक्ट किया वेयर
we were installing a few megawatts. So that was something which was very challenging. And उससे हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली. एंड फिर करते करते जो बिगेस्ट इंस्पिरेशन मिली वो रिलायंस से मिली. रिलायंस हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर है एंड हमारी उनसे डीलिंग आज बहुत साल से है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मिस्टर धीरू भाई अम्बानी के ज़माने से है. एंड एक ज़माने में मैं खुद जाके मुकेश भाई को मिलता था. कहानी बताइए. एंड वो डिटेल ये थी कि वो रिफाइनरी लगा रहे थे एंड मैं बॉम्बे में था. तो हमारे बॉम्बे वाइस प्रेसिडेंट ने हमको पूछा कि सर ऐसे ऐसे हमारी मुकेश जी से मीटिंग है, तो आप उसमें ज्वाइन करना चाहेंगे? सो हमने कहा कि भाई इतने बड़े लोग हैं, हम जरूर जाना चाहेंगे. तो उस मीटिंग में उनको उस टाइम पे मुकेश भाई को कोई अराउंड 140-150 जनरेटर चाहिए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट जब ये रिफाइनरी लगा रहे थे जामनगर में 20 साल पहले. जी तो वो जब हम उनको मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा देखो सुधीर भाई, इस बिजनेस के अंदर मैं आपको प्राइस पे स्क्वीज कर सकता हूँ, पर मैं आपको प्राइस पे स्क्वीज नहीं करूंगा, बिकॉज डिलीवरी इज द एसेंस ऑफ द ऑर्डर. मैंने उनको बोला कि सर ऐसा है कि आप एक काम करें, मैं तो आपको पहली बार ही मिला हूँ, हमारा प्लांट बॉम्बे के पास ही था. मैंने कहा अपने लोगों को भेजें और अगर आपको लगे कि हमारी कैपेसिटी है टू डिलीवर ऑन टाइम. उन्होंने भेजा, लोगों ने आके रिपोर्ट दी कि यस दे आर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. तब से आज तक हमारी रिलायंस से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. Amazing. ये क्या स्टोरी है, क्या कहानी. एंड उस वक्त हाउ मेनी जेनसेट्स हैड यू सोल्ड? मतलब ऐसा ऑर्डर जो मैंने बताया आपको 150 जेनसेट्स का इकट्ठा, वो तो पहला ही था. अच्छा, उसके बाद तो खैर रिलायंस को हमने बहुत जनरेटर बेचे. मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि रिलायंस को हमने कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जनरेटर बेचे होंगे. सो दैट्स द वे, चाहे उनका टेलीकॉम है, चाहे उनकी रिफाइनरी है, चाहे उनका रीटेल है. सो ऐसे तो बहुत जनरेटर्स बेचे. एंड यू जस्ट केप्ट द बिजनेस, केप्ट द रिलेशनशिप इन द बॉन्ड गोइंग 20 साल के बाद. देखिए रिलेशनशिप जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तो ये समझता हूँ कि आज रिलेशनशिप हैज बीन टेकन फॉरवर्ड बाय माय सन राहुल, जिसने 10 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया. एंड रिलेशनशिप के लिए कमिंस वाले भी हमेशा यही कहते हैं कि जो हम उनके पार्टनर्स हैं सुधीर, वो मुझसे कई बार पूछते हैं कि तुम ऐसे कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे कायम रखते हो. और मैं कहता हूँ कि सर इट इज़ वेरी सिंपल, हमें तो इसके अंदर कस्टमर को जो डिलीवरी, जो क्वालिटी और अगर कभी सर्विस चाहिए हो वो हम कस्टमर के साथ खड़े हैं, तो इट्स फाइन. आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये डीएलएफ गुड़गांव में हैं. डीएलएफ हमारे आज कितने पुराने कस्टमर हैं, मेरा ख्याल 20 साल से 100% बिजनेस. जैसे हम रिलायंस का करते हैं वैसे डीएलएफ का करते हैं. सुधीर जी इट इज़ इंस्पायरिंग टू से द वेरी लीस्ट. बट छोटा सा ब्रेक लेने पड़ेगा और बातचीत करेंगे आपके साथ. फोक्स ब्रेक टाइम, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, प्लीज डोंट गो अवे. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है एज वी कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशंस विद सुधीर सेठ ऑफ द सुधीर ग्रुप. चलिए ये तो बात हुई आपकी स्टार्ट की. नाउ सुधीर, शेयर विद अस अ जर्नी फ्रॉम जस्ट बीइंग सुधीर जेनसेट्स टू टुडे बीइंग अ मल्टी बिलियन डॉलर कंग्लोमेरेट. जैसा मैंने बताया आपको कि हम लोग जब ये जेनसेट शुरू किए, आस्था आस्था ये बड़े कस्टमर्स, चाहे वो डीएलएफ अंबानीज हों, चाहे वो डीएलएफ हों, चाहे वो और बड़े कस्टमर्स हों, इनसे जब हमारा इंटरेक्शन बढ़ा तो वी फाउंड पीपल वर वांटिंग कि भाई आप अपने आप को इतने बढ़िया प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप खाली वो अपने आप को कन्फाइन क्यों करते हैं टू वन पर्टिकुलर सेगमेंट. आप पूरा ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट कर लिया करिए. ओवरऑल प्रोजेक्ट का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिकल,
एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर होता है, जैसे अब आज के डेट में फॉर एग्जांपल हमने मेट्रो किए तो मेट्रो वाले क्या करते हैं, हमको एक बेयर शेल देते हैं, स्टेशन एक शेल दे दिया, उसमें हमारे लोग पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, केबलिंग, डीएमएस, एयर कंडीशनिंग, जो आप मेट्रो में एक्सपीरियंस करते हैं यू नो, वो सब कुछ करते हैं, यूपीएस, इवन इन सम प्रोजेक्ट्स जो हमारे लोग कर रहे हैं वहाँ एलिवेटर्स। सो ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट बिजनेस है ये हमारे लोगों ने फिर ड्राइव करना शुरू किया, एंड वो प्रोजेक्ट बिजनेस करते करते इतना बढ़ गया कि उसमें फिर हमको हुआ कि जो हम इनमें आइटम्स यूज़ करते हैं वो खुद ही बनानी शुरू करें। जैसे आज है कि सुधीर ट्रांसफार्मर्स बनाता है, उसमें ट्रांसफार्मर्स में हमारी पार्टनरशिप बनी विद ड्यूपॉन्ट ऑफ यूएसए। सुधीर सबस्टेशंस बनाता है, एचटीएलटी सिस्टम्स बनाता है, उसमें पार्टनरशिप बनी विद वर्ल्ड फेमस श्नाइडर। तो श्नाइडर के साथ में आज हमारा बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, ब्लू चिप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उससे हमारा बिजनेस बहुत बढ़ना शुरू हो गया। एंड ऐसे ही जो हम लोग और एक कंपनी है यूरोप की सबसे बड़ी टेसार, उससे जॉइंट वेंचर शुरू किए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर्स। तो सुधीर जो है आज बेसिकली इज अ कंपनी व्हिच इज इन्वॉल्वड इनटू इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर जेन, ए टू जेड। मुझे एक और चीज पूछना था दिल्ली मेट्रो के बारे में, इट्स अ फेदर इन द कैप फॉर यू, कैसे हुआ? देखिए ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहें तो हम सुनाते हैं। जी, हम सुनना चाहते हैं। जब मेट्रो वाले आए तो उस टाइम पे ही हमारे लोग अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे फ्रॉम अ पावर जेन कंपनी टू अ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। पर मेट्रो वाले बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट कंपनी है एंड वो स्टैंडर्ड्स बड़े स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो उन्होंने हमारे लोग को बोला कि नहीं नहीं, हम आपको जेनसेट तो 100% बिजनेस देंगे, पर इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर उन्होंने सीमेंस और एबीबी को दिया, जिन्होंने हमको अपना सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया। अच्छा, सीमेंस और एबीबी को दे दिया था। पर वो दो साल उनसे डील करके उनको ये मालूम पड़ा कि सारा काम तो सुधीर करते हैं, राइट फ्रॉम डिजाइन टू इंजीनियरिंग टू एग्जीक्यूशन। क्या स्टोरी है। एंड उसी लिए आज मेट्रो में चाहे कोई इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई मैकेनिकल प्रोजेक्ट हो, सुधीर का छाप है। सुधीर इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज द मोस्ट प्रेफर्ड। सो ऐसे करते करते हमारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। आज तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें तो सुधीर के लोग इतने हॉस्पिटल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम मेट्रो का ही एक 700 रूम का हॉस्पिटल एग्जीक्यूट, 700 बेड का हॉस्पिटल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहीं पे दिल्ली में। अच्छा। एंड देन उसके बाद में हम दो हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उनके एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऋषिकेश में और जोधपुर में, वो हजार हजार बेड के हॉस्पिटल हैं। हमारे लोग जम्मू श्रीनगर में एशिया की सबसे बड़ी टनल है 9 किलोमीटर की, उसमें इन्वॉल्व हैं। एंड उसके अंदर हम बड़े प्रोजेक्ट्स खाली ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, उसमें तो हमारे लोग इवन उसकी टनल के अंदर सारी ड्रिलिंग वगैरह जो है वो भी हमारे स्कोप के अंदर है। सो आवर पीपल आर टुडे डूइंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रोजेक्ट करना आसान होगा तो मैं शायद फैक्ट्स नहीं बताऊँगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे पूछना था कि हर बिजनेस में अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होता है, अपने बिजनेस में सबसे बड़ा हर्डल्स क्या थे अलॉन्ग द वे? देखिए अब ये जो हर्डल्स बिजनेस में तो खैर हमेशा होते हैं और होते रहेंगे। बिजनेस अपने आप एक चैलेंज है, बट पीपल लाइक मी हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, बट यू शुड ऑलवेज फाइंड वेज एंड मीन्स टू मूव ऑन। सो कमिंग टू द पॉइंट, चाहे वो जेनसेट हो, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे उसके प्लांट्स हो, उसमें कैसे आप क्वालिटी इंश्योर करते हो, टाइमली डिलीवरी इंश्योर करते हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंश्योर करते हो, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं। अब प्रोजेक्ट्स के अंदर देखिए, एक होता है कि मैंने इस फैक्ट्री के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया इज वन, एक है कि मैंने क्वालिटी को जाके साइट पे एग्जीक्यूट किया, इज नॉट ईजी। And then when you do everything right from air conditioning to entire electrical system to BMS to LLT systems and all that to substations, it's quite a tough job. And then you have to side by side synchronize with the civil work of the customer. वो integrate होना चाहिए। Customer को हमने कहा है कि वो हमेशा king है। उसकी delay है, उसको ठीक है। आपकी delay है, उसको कबूल नहीं। So that's the way you have to move. Beautifully put. सुधीर जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करने में, बट एक और छोटा सा ब्रेक लेने पड़ेगा। फोक्स, ब्रेक टाइम, प्लीज डोंट गो अवे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है एज वी कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशंस विद सुधीर सेठ ऑफ द सुधीर ग्रुप। सुधीर, हर बिजनेसेस में अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा हर्डल क्या थे ओवर द इयर्स? आई थिंक द बिगेस्ट हर्डल व्हाट लुक टू मी वाज जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया जेनसेट्स का, तो हमारे सामने थे बड़े बड़े कंपनीज लाइक वोल्टाज, एस्कॉट्स, पैरी, और उस टाइम की जो ये कंपनीज थी ये हमको पुश आउट करने के ट्राई कर रहे थे, पर हमने ये अल्टीमेटली आई वुड गिव द एडवाइस टू ऑल बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो उस टाइम पे हमने किया और वो आज भी वैलिड है, कि हमको हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि देखिए जो भी कोई विनिंग हॉर्स होता है कोई उसको डिस्ट्रैक्ट तो कर सकता है बट उसको अल्टीमेटली रोक नहीं सकता। विनिंग हॉर्स को इतनी समझ होती है कि वो अपने आप को दाएं बाएं स्पेस बना के अल्टीमेटली ही विंस, एंड दैट इज व्हाट आई वुड से। यू विल गेट टू दैट पॉन्ड ऑफ वाटर। या एब्सोल्युटली, बढ़िया से ये हम हर एक बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए कहेंगे, जो भी बिजनेस में वो हो, कि अगर वो अच्छा है और अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करता है सो वो अल्टीमेटली उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूटिफुली सर, इन योर थ्री डेकेड्स ऑफ बिजनेस करियर आपको कभी ऐसे लगा कि यू जस्ट वांट टू गिव अप? मींस आगे जाके बहुत मुश्किल से हो रहे, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स हो रहे। मैं आपको अगर सच्ची अपने बारे में ये बताऊं, सच्ची ही बताइए जी, तो ये बताऊंगा कि मैं जिंदगी में किसी से डरता नहीं हूँ सिवाय भगवान के। चाहे कैसी भी कोई इशू हो, मैं हमेशा सोचता हूँ कि दिस इज मैन मेड एंड कैन बी सॉल्व्ड बाय मैन, सो दे नीड टू सिट ओवर इट, पॉन्डर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। सो आज तक तो कभी मेरे को ऐसा नहीं फीलिंग आया। प्रॉब्लम्स तो बहुत आई होंगी, बट प्रॉब्लम्स के लिए हमने बैठ के उनके समाधान निकाले एंड कंटिन्यूड द जर्नी। फैंटास्टिक। सो दैट इन चैलेंजिंग कंडीशंस में आपकी राय में हाउ इंपॉर्टेंट इज अ गुड टीम? आई थिंक अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो इट इज नथिंग बट बिल्डिंग योर टीम। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि वो अकेला बिजनेस करेगा तो आई वुड से उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है। बिजनेस के अंदर अल्टीमेटली इट इज अ टीम वर्क। अगर आपकी टीम अच्छी है तभी बिजनेस बढ़िया रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक टाइम पे मुझे कमिंस के चेयरमैन पूछते थे कि ऐसा कैसे है कि तुम लोग अपनी मैन पावर को इतना रिटेन कर लेते हो जब और कंपनीज में इतनी हैवी अट्रिशन होती है। तो मैंने उनको बोला कि हम तो यही फील करते हैं कि जो हमारी टीम है वो इट इज़ मोर लाइक अ फैमिली, एंड वो अगर हमारे साथ है और हम उनके दुख और सुख में उनके साथ हैं, तो दैट इज व्हाट इज द टीम स्पिरिट, एंड इसी टीम से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया है। So you feel this has been the key component? Absolutely. I think हर एक आदमी को ये समझना है कि टीम बिल्डिंग इज द बिगेस्ट थिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन तभी सस्टेन करेगी मार्केट के चैलेंजेस अगर वो अपनी टीम बिल्डिंग अच्छी करती है और अपनी टीम को अपने साथ में कैरी करती है। अच्छा, आप क्या एडवाइस देंगे उन प्रोफेशनल्स के लिए हु वांट टू एंटर द बिजनेस डोमेन? फाइव मस्ट डूज एंड फाइव मस्ट डोंट्स फॉर एनी बडिंग एंटरप्रेन्योर। वेल, आई थिंक मैं तो इसको बड़ा सिंपल देखता हूँ। मेरे ख्याल से कोई भी अगर आदमी बिजनेस में एंटर करना चाहता है उसको सबसे पहले ये फॉलो करना चाहिए, ही शुड बी ट्रूथफुल, ही शुड, अगर उसने किसी कस्टमर को जो कमिट किया वो करना चाहिए, अगर उसने क्वालिटी कमिट की तो वो फॉलो करनी चाहिए, डिलीवरी कमिट की तो वो करनी चाहिए, अगर उसमें कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आई तो उसको सर्विस करनी चाहिए। इसके अलावा भी कभी कस्टमर को उससे कोई सपोर्ट चाहिए, सो दे मस्ट गिव दैट सपोर्ट टू द क्लाइंट एंड नेवर गिव एनीथिंग रॉन्ग कमिटमेंट टू द कस्टमर। ऑफ कोर्स द लास्ट पॉइंट आई वुड से टू एनी बडिंग एंटरप्रेन्योर इज नेवर एवर ड्रीम ऑफ बिकमिंग बिग ओवरनाइट। दिस इज अ जर्नी और ये अपने आप ही आराम आराम से स्टेप्स में ही अकम्प्लिश होती है और वैसे ही हमको इसको अकम्प्लिश करना चाहिए। अच्छा, एंड एन एब्सोल्यूट डोंट्स। वेल, आई थिंक डोंट्स इज नेवर टू सप्लाई सब स्टैंडर्ड मटेरियल। वेरी गुड पॉइंट। नेवर टू कीप ऑन लाइंग ऑन डिलीवरीज। वेरी गुड। हां जी, नेवर टू बी ऑनेस्ट। चाहे डिलीवरी लेट हो बट ऑनेस्टी होना चाहिए, और प्राइस हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड, पर मैं ये जरूर कहता हूँ
कि प्राइस शुड बी रीजनेबल, कोई कस्टमर भी रीजनेबल प्राइस पे करने के लिए नहीं मना करता, बट एकदम से एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज करना इज नॉट ऑन. एंड उसके बाद में सम पीपल टेंड टू यू नो ऑल्सो फाइंड सर्टन शॉर्टकट्स टू क्वालिटी बाय कॉस्ट कटिंग, वो सब मीन्स को नहीं फॉलो करना चाहिए. सुधीर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन योर स्पेयर टाइम आप अपने आप को कैसे डिस्ट्रेस करते हैं? वेल, आई थिंक अगर मैं ये बोलूं कि आज मैं क्या करता हूं, तो ऑफ कोर्स आई मस्ट टेल यू दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय गोल्फ. एंड हमने अभी व्हाट इज योर हैंडीकैप? आपका वेल, आई प्ले टू अ हैंडीकैप ऑफ 20, बट व्हेन आई से आई एम अ पैशनेट गोल्फर, आई वुड से आई एम नॉट अ गोल्फर हु वांट्स टू गो विन टूर्नामेंट्स. माय पैशन इज टू प्रमोट गोल्फ. आई मीन आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्पोर्ट. हां जी. And I feel very happy when all the family of mine today, my son is a golfer, my wife is a golfer, my daughter-in-law is a golfer, my grandson is a golfer. Okay. You know, so many people. I have tried to motivate them. Because iska bada achha cheez hai. Subah aap golf karne jaate ho, fresh mental, oxygen breathe karte ho. You are with friends. Equilibrium. Aap haste ho. So iske liye ye ek achhi cheez hai for our entire community. Correct. तो इस हम जितना कर सकते हैं वो कम है. एंड व्हेन आई से कम्युनिटी, सेकंड मेरा पैशन है डूइंग समथिंग फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड. हमको बहुत अच्छा लगता है कि यू नो व्हाट एवर लेवल्स वी हैव अटेन्ड, हम इसमें से कैसे अपनी कम्युनिटी के लिए शेयर करें. हमें को हर एक को मालूम है कि इंडिया के अंदर देयर इज पॉवर्टी, बट हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट. सो आवर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी कॉल, वी हैव अ कंपनी कॉल्ड सुधीर फाउंडेशन. तो वो लोग इन्वॉल्व हैं इनटू चिल्ड्रंस एजुकेशन, इनटू प्रोवाइडिंग यू नो मेडिकल फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन. ऐसे कई चीज़ें वो करते हैं फॉर यू नो ओल्ड एज होम्स एंड ऑल दैट. तो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है. सुधीर जी, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करने में, एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस. थैंक यू वेरी मच, गुड टू सी यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. For our viewers out there, we hope you have enjoyed this episode of The Big Idea. Agle hafte फिर मुलाकात करेंगे विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर. अंटिल देन, नीवा जैन, गॉड ब्लेस.